पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नकली नोट की सप्लाई का मामला सामने आया है। नैनीताल पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3,70,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के मुताबिक बीते 9 अक्टूबर को लालकुआं निवासी शुभम वर्मा नाम के एक सुनार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए थे। मुख्य आरोपी शुभम वर्मा से पूछताछ की गई तो कई खुलासे हुए। पूछताछ में पता चला कि नकली नोट के कारोबार में कई लोग शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग लोगों से पूछताछ कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच पड़ताल में पता चला है कि नकली नोटों का कारोबार करने वाले मुख्य आरोपी शुभम वर्मा के खाते से भारी मात्रा में पैसों का लेन देन हुआ है। इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में आगे की जांच अब केंद्रीय एजेंसी करेगी, जिससे ये पता चल सके कि नकली नोटों का कारोबार कहां तक फैला हुआ है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। को लालकुआ क्षेत्र में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। उसके बाद इस मामले के गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों की जानकारी पता करने के लिए और बाकी जो इस गिरोह में जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए SPCT, COCT, थाना लालकुआ और SOG की एक टीम गठित की और इन टीमों ने अलग अलग जगह दबिशें दी और अलग अलग लोगों से पूछताछ की। इस सारे प्रकरण में शिवम वर्मा को मिला के हमने अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इन सब अभियुक्तों के कब्जे से अब तक हमने 3,07,000 रुपये जो हैं वो उनके नकली नोट बरामद किए हैं। जो इन्वेस्टिगेशन की प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से ये लोग मालदा पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते थे और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व अन्य पड़ोसी राज्यों में ये नकली नोट खपाने का कार्य करते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।